क्रिकेट संघाचे संगणक आहेत, त्यांचा सन्मान केला जातो. त्याच्यानंतर मी गणेश मात्रे यांना आमंत्रित करत आहे की आपल्या शुभ हस्ते आदे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच रुपेश दादा पाटील यांचं आपण स्वागत करावं. रुपेश दादा पाटील यांच्या सौभाग्यवती मित्रांनो एकेकाली आदे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच असताना त्यांच्यावर कालाने झडप घातली, स्पर्धेला पाण्याची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेली आहे. स्वागत आहे आपलं. ओ टू मनोहर पाटील. थँक यू सो मच. यहाँ पर आए तमाम मेहमानों का एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे. जर्मन क्रिकेट टीम पडगेन की ओर से आयोजित स्वर्गीय भरत दादा स्मृति चषक 2019 हम देख सकते हैं और कमाल की टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट में आए हुए हमारे सभी आदरणीय तमाम मेहमान जिनकी मेहमान नवाजी भी हमारे आयोजकों के माध्यम से की जा रही है. क्योंकि जहां पर हमारा भारत देश दोस्तों और भारत देश की संस्कृति हमें कहती है, हमारे मां ने हमें सिखाया था कि सभी मेहमानों की आप इज्जत करो, इज्जत दोगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी. तो यकीन यहाँ पर आयोजकों के माध्यम से निश्चित तौर पर सभी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, उनकी भी मेहमान नवाजी की जा रही है. उन सभी मेहमानों को लेकर मैदान के अंदर लौटते हैं. दूसरे दौर का पहला मुकाबला एक तरफ नेवाली और दूसरी तरफ पालेश्वरी पाले क्रिकेट टीम जो पहली गेंदबाजी कर रही है और गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट टीम जो पहले बल्लेबाजी कर रही है. तीन ओवर का मुकाबला कौन जाएगा तीसरे दौर में इसकी भी जानकारी आपके सामने पेश होगी. मुकाबला होगा शुरू. फर्स्ट बॉल पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज प्रवीण काथा रख रही है गेंद. पुल किया स्ट्रोक को कैच जाएगी. दैट इज अ बिग हिट मैसिव हिट फ्रॉम द बिग मैन प्रवीण काथारा. थैंक यू सो मच. पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाए अपनी जहरीले इरादे जाहिर करे इस खिलाड़ी ने मैदान के अंदर शॉर्ट पिच गेंद की थी. पुल किया स्ट्रोक को और मिड विकेट के ऊपर से दे मारा बड़ा लंबा छक्का देखा हमने यहाँ पर बल्लेबाज प्रवीण काथारा के बल्ले से. और पहली गेंद के ऊपर से धाबा बोला है गेंदबाज थे महेश पाटिल. डराने का काम किया है और अपने जहरीले इरादे जाहिर करते हुए बल्लेबाज यहाँ पर. लेकिन डरना माने क्रिकेट के अंदर पिछले मुकाबले में देखा था जब एक ओवर में 13 रन बचाने थे और वो बचाने की क्षमता रखते थे खिलाड़ी और रन बचाए थे और मुकाबला अपने नाम किया था गेंदबाज तुषार तांडेल ने. लेकिन इस मरतबा क्या अच्छी वापसी करा देने में कामयाब रहेंगे महेश पाटिल. पहली गेंद के ऊपर छक्का है और मुकाबला सिर्फ तीन ओवर का है यानी कि तीन ओवर में 40 से 45 रन बनाना बेहद जरूरी है और यह 45 रन बनाने में क्या कामयाब रहेगी शुरुआत तो हो चुकी है. क्रिकेट को हमेशा बल्लेबाजों का खेल माना जाता है और इसमें गुंडागर्दी और दादागिरी हमेशा बल्लेबाज करते हैं. लेकिन गेंदबाज क्या पलटवार करेगा राउंड द विकेट. एच गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है उठाने का प्रयास जरूर लेकिन ताकत नहीं झोंक सके. क्रिकेट में यदि आप बल्लेबाज तो टी शब्द का काफी ज्यादा महत्व है. टी से आती है ताकत, टी से आती है तकनीक, टी से आती है टाइमिंग और यहां पर टाइमिंग की कमी नजर आई इस गेंद के ऊपर. एक रन चुराए बल्लेबाजों ने. चोर बदले अतुल कातारा जो कि हमेशा से पारी की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं इस मरतबा स्ट्राइक रन के ऊपर जाएंगे. पहली दो गेंदों का सफर यहां से समाप्त होता हुआ टीम का टोटल स्कोर है 7 रन. मुकाबले में बहुत समय लिए जा रहे अंपायर आपको भी वार्निंग देनी है. गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट. अच्छा स्ट्रोक हुक किया स्ट्रोक को गेंद चाहेगी वाइडिश लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर गेंद सीमा रेखा पार चौका मिलेगा अतुल कातारा को. थैंक यू सो मच. पहली गेंद के ऊपर छक्का दूसरी गेंद के ऊपर चौका दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल और तीसरी गेंद के ऊपर चौका आया. टीम का टोटल स्कोर रफ्तार से पहुंच चुका है डबल डिजिट 10 डबल 1 11 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. क्या कमाल की गेंद. इसी दिशा में गेंदबाजी करनी चाहिए यही लाइन अच्छी है. गेंदबाज के लिए बचने का यही एक कान मंत्र होगा मूल मंत्र होगा और यहां पर पहला बल्लेबाज का शिकार शिकारी कूद गया शिकार हो गया पहला झटका गौरी स्पोर्ट्स नेवाले क्रिकेट टीम को अतुल कातारा गॉन. थँक्स डीजे मास्टर. इथे बघा फलंदाजाला सुवर्ण संधी रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सन्माननीय चिटणीस आणि ज्यांचं दमदार नेतृत्व आपण पाहतो बाबूशेठ भोईरसाहेब यांचं जे कटआउट बॅनर्स आहे त्या बॅनरला जर फलंदाजाने डायरेक्ट हिट षटकार तटवला तर आमच्या क्रिकेट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक सचिन शेठ भोईर यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे.
तो बिल्कुल आयोजकों के माध्यम से हौसला अफजा भी की जा रही है बल्लेबाजों की, क्योंकि ये पर्दे के पीछे के किरदार होते हैं, मैदान के बाहर से हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे का किरदार हमेशा अहम माना जाता है। क्योंकि रामायण में भी हमने देखा था दोस्तों, प्रभु राम ने बाली को पेड़ के पीछे से चुपके से मारा था, आगे से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मार न सके। जो काम पर्दे के पीछे से करा जाता है वो आगे से नहीं करा जा सकता। महाभारत में भी हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन उनके मार्गदर्शन के बिना अर्जुन को युद्ध जीतना बिल्कुल नामुमकिन था। ये पर्दे के पीछे का किरदार है और हौसला अफजाई करते हुए ये गेंद बाउंसर ट्राई करी थी, विकेट कीपर की गलती, बैकअप अच्छा मिलेगा, एक रन जरूर आया, अंपायर सिग्नल, 22 के रन मिलेंगे, एक्स्ट्रा के रूप में रन बने, एक रन के मदद से पारी आगे बढ़ती भी, टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचे 1-2 12 रनों के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो आने वाली अंतिम गेंद शेष होगी, पहला और अंतिम पावर प्ले, क्योंकि मुकाबला सिर्फ 3 ओवर का है और 3 ओवर में पहले ओवर की 5 गेंद के ऊपर लग चुके हैं 12 रन। एक खिलाड़ी इस सफर में अब तक कोई अतुल काथारा को खोना पड़ा था गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट टीम को, लेकिन उनके सबसे डेंजरस खिलाड़ी प्रवीण काथारा ऑन स्ट्राइक, जो बाएं हाथ के खिलाड़ी और दाहिने हाथ का गेंदबाज, राउंड द विकेट से आएगा इस खिलाड़ी के लिए, पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था यह अंतिम गेंद। अब स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है, जिस तरीके से पंचा में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोले, हमें दिखाया, हमें बताया, हमें संकेत किया, हमें दर्शाया, हमें दिखा रहे कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंद बस तैयार, बड़ा स्ट्रोक खेलना जरूर चाहते थे, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी प्रवीण काथारा, बिग मैन बैक टू द पवेलियन। पहली ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल स्कोर 13 रन। थैंक्स डीजे मास्टर, खऱ्या अर्थाने ते आमचे आयोजक सचिन शेट भोईर साहेबांच्या वतीने ते आम्हाला माहिती मिळतो काही क्षणातच या क्रिकेट स्पर्धेला ज्यांचं आगमन होणार आहे खऱ्या अर्थाने पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेते आणि सन्माननीय नगरसेवक प्रीतमदादा म्हात्रे साहेबांचं काही क्षणातच या क्रिकेट स्पर्धेसाठी इथे आगमन होणार आहे। आम्ही आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक इथे सहर्ष स्वागत करत आहोत। तो बिल्कुल सर, यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति होती हुई सभी मेहमानों का स्वागत हम बिल्कुल धूमधाम से करेंगे। हमारे महागुरु एमडी गढ़ के सर हमारे साथ हैं, कमेंट्री की भूमिका में बाबू शाह होंगे और यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका सोमनाथ पाटिल वाज है, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और मैदान के अंदर लौट चलते। पहले ओवर की हुई समाप्ति, टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 13 रन, गेंदबाज तैयार होगा दूसरे नंबर का नितिन तांडेल, दूसरा ओवर फेंकेंगे, मुकाबला सिर्फ 3 ओवर का है यह भी ध्यान में रखना होगा, पावर प्ले की बंदिश हट चुकी है, गेंदबाज तैयार राउंड द विकेट और कमाल का कैच, डाइव लगाकर इस खिलाड़ी को वापस भेजा बल्लेबाज आउट हुए, रोशन का आता रहा दिस टाइम बैक टू द पवेलियन, दूसरा झटका। थैंक यू सो मच, टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 13 रन, पहली गेंद के ऊपर यहां पर सफलता मिली, टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचा है यहां पर 13 रनों के ऊपर, गेंदबाज इस मरतबा तैयार होगा एक बार फिर से नितिन तांडेल और सामने बल्लेबाज ही करेंगे राजेश कातारा, नए बल्लेबाज चौथे नंबर के खिलाड़ी है, आमतौर पर इस खिलाड़ी को हमने पारी की शुरुआत करते हुए देखा है, लेकिन इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में नेवाली क्रिकेट टीम की रणनीति अलग थी, उनकी सोच अलग थी, उनके पूरी तरीके से गेम प्लान अलग था। राजेश कातारा मिडल ऑर्डर में जिम्मेदारी संभालेंगे, गेंदबाज तैयार, अच्छा स्ट्रोक, रिवर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट किया, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये चौका यहाँ पर निश्चित तौर पर लगता हुआ, टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ेगा, टीम का टोटल स्कोर है 17 रन, स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं, गेंदबाज तैयार एक बार फिर से होगा,
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अच्छा स्ट्रोक गैप में धकेलना चाहते थे, सॉफ्ट डिसमिसल जिसे कहा जा, पिक किया खिलाड़ी को, तीसरा बड़ा छटका राजेश काथरा दिस टाइम बैक टू द पवेलियन। टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 17 रन। मैदान के अंदर हम यकीनन लौट चलेंगे, गेंदबाजी समर्थबा तैयार है। एक बार फिर से इस ओवर के आने वाली चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार, राउंड द विकेट। यह गेंद सामने से चका है बल्लेबाज को, जोरदार अपील हुई थी लेकिन अपीलों में उत्साह ज्यादा था, विश्वास नहीं था। हाँ सामना पण थांबवत आहे मित्रांनो, सर्वांना विनंती आहे, पंचांना आम्ही विनंती करतो की आपण सामना थांबवायचा आहे। मान्यवरांचा व्यासपीठाकडे आगमन होत आहे। हॅलो, इथे पंचांनी खेळ थांबवायचे। मित्रांनो जक्षणाची आपण सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत होतो, मान्यवरांचं इथे आगमन। सामना सुरू करा, सामना स्टार्ट। सन्माननीय मिलन शेठ पालकर केवळ यांचं आगमन इथे झालेलं आहे, मनपूर्वक आपलं स्वागत। त्याच्यानंतर बाबा ब्रँड शशिकांत पाटील कोपरल यांचं आगमन झालेलं आहे, मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। हो टू मनोर, बडा स्लो खेळणे की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है, दूसरे के लिए खिलाड़ी पलटे। आई वे सभी तमाम मेहमानों का हम यहाँ पर एक बार फिर से तय दिल से स्वागत करते हैं, शान बान शान और शोकत से भरे टूर्नामेंट के माध्यम से। आदरणीय मिलन शेठ पालकर हम तय दिल से स्वागत करते हैं, उनके सभी सहयोगी उनका भी हम स्वागत करते हैं। कई सारे आदरणीय मेहमान हमारे मंच के ऊपर मौजूद है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैदान के अंदर एक बार फिर से हम लौट चलते हैं, गेंदबाज तैयार, अंतिम गेंद। क्या कमाल की गेंदबाजी, दो ओवर की हुई यहां पर समाप्ति, दो ओवर के समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर है 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गड़गे सर, हाँ इथे मान्यवरांचं मित्रांनो आगमन झालेलं आहे, केवळे गावचे तरुणांचे एक आधार स्तंभ आणि सातत्याने नेरे दुंद्रे क्रिया विभागाचा जर विचार केला तर केवळे नाईट क्रिकेट स्पर्धेचे एक यशस्वी दमदार आयोजक यंग ब्रिगेड सन्माननीय श्री मिलन शेठ पालकर केवाले आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। स्वर्गीय भरतदादा स्मृती चषक 2019 या क्रिकेट पर्वच्या माध्यमातून भरत इलेवन क्रिकेट संघ पडगे यांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक सर्च स्वागत आहे। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे, सभी मेहमानों का शुक्रिया। और मेहमानों के लिए सर हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये दूसरे दौर का पहला मुकाबला है, बल्लेबाजी कर रही है गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट टीम और गेंदबाजी कर रही है पालेश्वरी पाले क्रिकेट टीम। तीन ओवर का मुकाबला है, दो ओवर में 19 बना है और तीसरा गेंदबाज तुषार तांडेल की यह गेंद, इस गेंद को नितेश ने खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात जरूर थे। अच्छी कोशिश की सीमा रेखा के नजदीक, दूसरे के लिए खिलाड़ी पलटे थे, अच्छा थ्रो भी आया, दो रनों का इजाफा होता हुआ। ये वही तुषार तांडेल है जिन्होंने पिछले मुकाबले में जब एक ओवर में 13 रन चाहिए थे तलोजिया मजकूर क्रिकेट टीम को, तब मुकाबला जीता था अपने टीम के लिए। पिछले सप्ताह में हमने कोलवाड़ी के नाइट प्रतियोगिता में देखा था जब एक ओवर में 4 रन चाहिए तो इस खिलाड़ी ने आकर उन 4 रनों को बचाया था और मेडन ओवर फेंका था धुंधरे क्रिकेट टीम के खिलाफ। रन बचाने की क्षमता बिल्कुल रखता है यह खिलाड़ी। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश जरूर की थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। टीम का रुका हुआ स्कोर 21, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था लेकिन उसके बाद क्या कमाल की गेंदबाजी रही है, खूबसूरत गेंदबाजी मैदान के अंदर यहां पर गेंदबाजों के माध्यम से उठाने का प्रयास किया था। गेंद हवा में काफी देर तक ले रही, आसान सा मौका गवाएंगे नहीं, एक और सफलता यहां पर पालेश्वरी पाले क्रिकेट टीम के नाम।
तो तीसरा ओवर चल रहा है, तीन गेंदे पूरी हो चुकी है, दो ओवर में 19 बने थे। ये स्लॉग ओवर था, ये डेथ ओवर था, ये अंतिम ओवर था। यहाँ पर विकेटों की पतझड़ बिल्कुल देखी जा सकती है। राजेश कातारा जिन्होंने एक चौका जरूर लगाया था अपने रिवर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट के अंदर, चौका दागकर उनके चलते बोलने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई पारी नेवाली क्रिकेट टीम की। गति में मिश्रण किया था इस मरतबा, साफ उंगलियां पेरी थी गेंदबाज गेंद के ऊपर, और रिकॉर्ड सफलता मिलेगी, बैक टू बैक दूसरी सफलता तुषार तांडेल के नाम, 21 रनों के ऊपर लगता हुआ यह पांचवा छटका नेवाली क्रिकेट टीम को। थैंक यू नावडे क्रिकेट टीम का कप्तान और सांगडे क्रिकेट टीम का कप्तान, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। ये गेंद सिर्फ दिशा दी गेंद को, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, रोकना नामुमकिन, गेंद सीमा रेखा पार, एक और चौका, ऑन हैट्रिक थे गेंदबाज तुषार, लेकिन इस मरतबा चार रन मिलेंगे। चार रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 25 के ऊपर पारी पहुंचे, यहां पर अंतिम गेंद शेष होगी, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। छह खिलाड़ी खोए दोस्तों, यहां पर अब तक नेवाली क्रिकेट टीम ने छह खिलाड़ी खो जाने के बाद 25 रनों के ऊपर पारी संघर्ष करती हुई, अंतिम गेंद शेष होगी, गेंदबाज हो गए तुषार तांडेल और उनके सामने बल्लेबाजी करेंगे आकाश पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट से। अब एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात है, एक डीप लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक डीप स्क्वेयर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। अंतिम गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और बल्लेबाज का किया शिकार, एक बार फिर से तीन सफलता यहां पर मिलेगी तुषार तांडेल को। तीन ओवर की भी समाप्ति, 6 रन खर्च किए, टीम का टोटल स्कोर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन, जीतने के लिए आने वाली गेंदें 18 और जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। नावडे क्रिकेट टीम का कप्तान यहां पर टॉस के लिए आपको आने, सांगड़े क्रिकेट टीम का कप्तान यहां पर पहुंच चुका है, तो नावडे क्रिकेट टीम का कप्तान टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। 18 गेंदें और जीतने के लिए 26 की आवश्यकता, जाएंगे हमारे महागुरु एमडी गडगे सर के पास हम लौट चलेंगे। हा इथे नावडे विपक्ष सांगडे क्रिकेट संघाच्या दरम्यान आपण नाणेफेक करणार आहोत, धोनी क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यावं। हा संघ कुठला आहे, आलेत का कोण? नावडे सांगडे, नावडे विपक्ष सांगडे क्रिकेट संघाचे संघनायक आमच्या व्यासपीठावर उपलब्ध उपस्थित आहे, तर नावडे क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी लगेच संपर्क साधायचा आहे, यायचे आहे धोनी क्रिकेट संघाने। बघा बेल दडवू नका, नाणेफेक करण्यासाठी आपण पनवेल तालुका पुरोगामी युवक संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम भोईर साहेबांना आपण आमंत्रित करणार आहोत। आता व्यासपीठावर बघितलं आपण मित्रांनो, रायगड जिल्हा परिषदेचे विद्यमान सदस्य आहे विलासदादा फडके साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्याच्यानंतर विलासशेठ शेलके माजी उपसरपंच, विद्यमान सदस्य आदई रुपेशदादा पाटील माजी सरपंच आदई, पुरुषोत्तम भोईर, त्याचबरोबर सुरेशशेठ भोईर माजी सरपंच, विलासशेठ पालकर जे यंग ब्रिगेड त्यांची संपूर्ण ग्रुप इथे पाहतो आपण। खऱ्या अर्थाने या मान्यवरांचं व्यासपीठावर इथे आगमन आहे आणि ही क्रिकेट स्पर्धा मित्रांनो आपण अजमावतो। एकेकाली पडगे क्रिकेट संघाची फार मोठी ओळख, परंतु आज कालाने त्यांच्यावर झडप घातली, आपल्यात नाही आहेत, परंतु त्यांची अविस्मरणीय आठवण तुम्हाला सर्वांच्या मनामध्ये सातत्याने जागृत राहावी या उद्देशाने खऱ्या अर्थाने स्वर्गीय भरत भोईर इलेव्हन पडगे क्रिकेट संघाच्या वतीने भरतदादा स्मृती चषकाचं या आयोजन इथे करण्यात आलेलं आहे आणि क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा शेवटचा दिवस असणार आहे। पुढचा सामना आपण पाहणार आहोत सांगडे विपक्ष नावडे। आयोजन कमिटीच्या वतीने उमेश भोईर कुडुपाडा क्रिकेट संघाचे सर्वाधिक सिनियर क्रिकेटर उमेश भोईर आपला आगमन झालेला आहे। आमचे मित्र गणेश म्हात्रे आयोजन कमिटी मेंबर्स आहेत, आपल्याला व्यासपीठावर आमंत्रित करतात सचिन भोईर यांच्या वतीने। उमेश यावा आपण, उमेश क्रिकेटचा आनंद घेण्यासाठी यावा आपण व्यासपीठावर, स्वागत आहे आपलं। खऱ्या अर्थाने त्यांच्या माध्यमातून ज्या ज्या वेळेस कुडुपाडा गावामध्ये क्रिकेट स्पर्धा खेळवली जाते त्या स्पर्धेला फार मोठं योगदान असतं उमेश भोईर यांचं। प्रभुदास अण्णा भोईर यांची जी स्पर्धा आपण दरवर्षी आजमावतो मित्रांनो, त्या स्पर्धेला फार मोठी मेहनत असते त्यांची। नाणेफेक केली जात आहे नावडे विपक्ष सांगडे क्रिकेट संघाच्या दरम्यान आणि या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये प्रेक्षक कमाल क्यासाठी
इथे गुल्लो भोईर यांच्या वतीने 200 रुपयाचा पारितोषिक असेल. ओ टू मनोहर पाटील. फोकस करायचे इथे मान्यवरांना आपण सन्मानित करणार आहोत. तर मान्यवरांना इथे सन्मानित केले जात आहे. मी सन्माननीय सचिन शेठ भोईर यांना नाणेबेगेचा कौल इथे लागलेला आहे सांगडे क्रिकेट संघाच्या बाजूने. तर मी सचिन शेठ भोईर सुयोग भोईर यांना आमंत्रित करत आहे की आपल्या शुभहस्ते मिलन शेठ पालकर केवाले यांचा आपण सन्मान करावा. केवाले ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय अण्णा शेठ पालकर साहेबांचे सुपुत्र, एक स्टायलिश व्यक्तिमत्व आणि नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक सुद्धा आहेत. आयोजक त्यांना क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जात आहे. हा प्रेक्षक कमाल कॅच आयवा कॅच ज्या प्रेक्षकाने घेतलेला आहे त्याच्यासाठी पडगे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अशोक दादा भोईर आमचे आयोजक आहेत. त्यांच्या वतीने 200 रुपयाचा पारितोषिक आणि गुल्लू भोईर यांच्या वतीने 200 रुपयाचा पारितोषिक. ओ टू मनोहर पाटील. तो बिल्कुल शुक्रिया सर. मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे बैक टू बैक. नंबर 3 ओवर मिड विकेट बैक टू बैक तीसरा छक्का. क्या कमाल की शुरुआत यहाँ पर. पहले ओवर में दाग ये गलती करी थी. क्या जरूरत थी. आपके पास सोनू जैसा ताकतवर गेंदबाज है. ये रणनीति में बदलाव था. इस खिलाड़ी के सामने प्रेम को दिया मौका और 18 रन 3 गेंदों आयोजक सचिन शेठ भोईर यांच्या वतीने षटकार हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचा इथे पारितोषिक जमा झालेला आहे. प्रत्येक सामन्यामध्ये लागोपाठ 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला सचिन शेठ भोईर पडगे यांच्या वतीने 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल. थँक्यू सो मच. तो बिलकुल ये दबाव भरी गेंद होगी. इस गेंद के ऊपर यदि छक्का आएगा गेंदबाज तैयार प्रेम. तो बिल्कुल यहां पर अच्छी गेंद थी सिंगल के साथ स्ट्राइक सुपुर्द करी. 4 गेंदें यहां पर समाप्त हो चुकी है और 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. जीतने के लिए 26 का टारगेट था और यहां पर सिर्फ हम देख सकते हैं 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है इस ओवर में और जीतने के लिए 7 की आवश्यकता है. तो बिल्कुल आईवा कैच के हमारे दर्शक काफी खुश है. 400 रुपए का इनाम आज के दिन की कमाई हो चुकी है. ऑल द बेस्ट. गेंदबाज तैयार. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे जरूर लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ. लेग बायस का एक रन मिलेगा. अंपायर सिग्नल आता बा. एक रन की मदद से टीम का टोटल स्कोर 20 रन. 26 रनों की आवश्यकता है. एक तो बचने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और आपके पास जो सबसे ताकतवर गेंदबाज है उसको आपको पहले गेंदबाजी करानी चाहिए ना कि दूसरे गेंदबाजों को. यह अच्छा गेंदबाज जरूर है प्रेम जिन्होंने प्रभावित भी किया है लेकिन सोनू के पास मौका था क्योंकि सोनू आपके लिए बड़े विकेट भी चटका दे. खोद कर निकला इस गेंद को. हौसले परास्त है फिर भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर. एक और चौका मिलेगा. 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है. आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत. तर इथे मान्यवरांचं खऱ्या अर्थाने मित्रांनो आगमन होणार आहे. आमचे मित्र आयोजक गुल्लू भोईर यांच्या वतीने सुद्धा चिखलेकर यांना आमंत्रित करतो आम्ही व्यासपीठावर. काही क्षणातच मित्रांनो फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये महेश चिखलेकर यांचं व्यासपीठावर मयूर चिखलेकर यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. सचिन मुंडे यांना पाहतो. खानाव क्रिकेट संघाचे एक आक्रमक फलंदाज तुमचं आम्ही स्वागत करू. तर मयूरचं स्वागत आमचे आयोजक गुल्लू भोईर यांच्या शुभहस्ते इथे केलं जात आहे. स्वर्गीय भरतदादा स्मृतिचषक आणि स्वर्गीय भरत भोईर यांचे ते सुपुत्र आहेत मित्रांनो. त्यांच्या शुभहस्ते मयूर चिखलेकरला इथे सन्मानित केले जात आहे. काही क्षणातच पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेते विद्यमान नगरसेवक आदरणीय प्रीतमदादा म्हात्रेसाहेब पनवेल महानगरपालिका विरोधी पक्ष नेते डॉक्टर प्रीतमदादा म्हात्रेसाहेबांचं काही क्षणातच या क्रिकेट स्पर्धेसाठी आगमन होणार आहे. ओ टू मनोहर पाटील. तो बिल्कुल जहां पर बात करेंगे इस मुकाबले की तो आपके सही गेंदबाज का चयन करना भी बेहद जरूरी. यहां पर आपका गेम प्लान काम आता है और यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ क्योंकि कई 2016 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल दोस्तों आपको याद होगा भारत बनाम वेस्ट इंडीज और वहां पर एम एस धोनी से गलती हुई कि विकेट चटकाने के चक्कर में सभी गेंदबाजों के ओवर उन्हें समाप्त करें और अंतिम क्षण में विराट कोहली को गेंदबाजी करने के लिए लाना पड़ा और नतीजा हमारे सामने आया था कि भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप से हाथ धोना पड़ा था. यहां पर भी वही गलती करी नेवाली क्रिकेट टीम ने क्योंकि सोनू कातरा जिनके सबसे आक्रामक गेंदबाज है उसे गेंदबाजी के लिए ना बुलाना
ये हमारे समस्या परे था और पहली तीन गेंदों के ऊपर तीन छक्के। प्रेम काथरा ने भी पिछले कुछ मुकाबले में कमाल का प्रभावित किया नेवाले क्रिकेट टीम को और सभी दर्शकों को भी, लेकिन ये समय नहीं था क्योंकि 26 रनों को आपको बचाना था। आने वाली 11 गेंदें जीतने के लिए सिर्फ दो क्या बच सकता, मुकाबला बिल्कुल एक तरफा बन चुका है। नेवाली बनाम पालेश्वरी पाले के बीच में ये लड़ाई, गेंदबाज तैयार, उठाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। स्कोर इज लेवल नाउ, 25 रन बने थे पहले तीन ओवर में। नेवाली क्रिकेट टीम पहली गेंद के ऊपर प्रवीण काथरा ने छक्के के साथ शुरुआत की थी, यानी कि पिछली 17 गेंदों में, अगली 17 गेंदों में केवल 19 रन बनने में कामयाब रही, बल्लेबाज नहीं चले और यहां पर भुगत रही है पूरी नेवाली क्रिकेट। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, आग तो सूरज में होती है लेकिन जलना जमीन को पड़ता है और यहां पर गलतियां बल्लेबाज की होती है और भुगतना पूरे टीम को पड़ता है और यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। मुकाबले में लौट सकती थी, थोड़े से नाराज दिखेंगे राजेश काथरा क्योंकि वो जानते हैं कि मुकाबला बन सकता था यहां पर, लेकिन उनकी थोड़ी सी गलती भी, क्रिकेट में छोटे छोटे क्षण, ये छोटे छोटी गलती आपको सुधारनी होगी क्योंकि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। निश्चित स्वरूप विचार के राजेश काथरा ये विकेट कीपर आहेत, अनुभवी खेळाडू आहेत, परंतु आदई ग्राम पंचायती मध्ये ग्रुप ग्राम पंचायत आदई नेवाली ग्राम पंचायती वर लागोपाठ 2 वेळा त्यांना सदस्य होण्याचं भाग्य प्राप्त झालेलं आहे। तो बिल्कुल उनका सभी शुक्रिया अदा करेंगे। यहां पर स्कोर बराबर हो चुका है, सिर्फ एक रन की आवश्यकता, आने वाली 9 गेंदों और 1 रन। गेंदबाज तैयार आतिश काथरा, स्ट्राइक रन के ऊपर बल्लेबाज जाएंगे चौथे नंबर के प्रदीप उलवेकर। ये गेंद देख सकते हैं बिल्कुल गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आने ही वाले थे कि बल्ला अड़ाया और डॉट गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई। टीम का टोटल स्कोर जहां पर सिर्फ 1 रन की जरूरत है, लेकिन इस आतिश काथरा ने प्रभावित किया, 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। गेंदबाज तैयार होगा एक बार फिर से, 8 गेंद है और जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता है। गेंदबाज तैयार आतिश काथरा, गति में मिश्रा, नितेश रोक नहीं पाएंगे इस गेंद को और यहां पर मुकाबला हुआ समाप्त। गेम इज ओवर फॉर गौरी स्पोर्ट्स ने वाले और तीसरे दौर में पहुंचने वाली पालेश्वरी पाले पहली क्रिकेट टीम बन चुकी है। कांग्रेचुलेशंस बॉयज और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया दोस्तों नेवाली क्रिकेट टीम। तर आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये पालेश्वरी क्रिकेट संघ पाले बुद्रुक क्रिकेट संघाने विजय संपादन करून तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। त्यांचा आम्ही स्वर्गीय भरत 11 क्रिकेट संघ पडगे यांच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन करतो। तर या सामन्याचा हिरो नेवाली क्रिकेट संघाचे हार्दिक आभार। तर या सामन्याचा हिरो तुषार तांडेल यावा, एका षटकामध्ये 6 धावांच्या मोबदल्यात 3 फलंदाजांना त्यांनी बाद केलं। तर तुषारला सामना विरत पारितोषिक देण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करत आहोत सन्माननीय विलास दादा शेलके, माजी उपसरपंच आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आदई यांच्या शुभ हस्ते तुषार तांडेल लागोपाठ दुसऱ्यांदा सामनावीर।